بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum and welcome back to another interesting and exciting video of English subject for grade 3. Students, as you remember that we have started a story, Dorothy meets a scarecrow, and Dorothy had met a scarecrow which was very amazing because he was walking and talking. So in the story, if you remember that the scarecrow asked Dorothy that who are you and where are you going? So Dorothy said that I am Dorothy and I am going to Emerald City. I am going to Emerald City. I am going to ask the Great Oz to send me back home to Kansas. Now she wants to go back to her home. कुछ ऐसा हुआ है डोरोथी के साथ कि वो अपना घर खो बैठी है, उससे उसका घर गुम गया है, तो रास्ता भटक गई है. तो यहाँ पर शी इज़ गोइंग टू आस्क द ग्रेट ऑज टू सेंड मी बैक, टू सेंड हर बैक होम टू कैंसस. नाउ वी कैन सी दैट हर होम इज़ इन कैंसस एंड शी इज़ गोइंग टू एमरल्ड सिटी टू आस्क द ग्रेट ऑज टू हेल्प हर. She is going to Emerald City to ask for help of Great Oz. Where is the Emerald City? said the Scarecrow. And who is Oz? Now, Scarecrow ko kuch malum nahi hai, to wo kehta hai ke, where is the Emerald City and who is Oz? Why? Don't you know? She replied in surprise. Kyun? तुम्हें मालूम नहीं है क्या? सो हियर डोरोथी इज़ वेरी सरप्राइज्ड, वो बहुत हैरान है कि हाउ द स्केयर क्रो इज़ नॉट अवेयर ऑफ द ग्रेट ऑज एंड एमरल्ड सिटी. वाई द स्केयर क्रो डजंट नो एनी थिंग अबाउट द एमरल्ड सिटी एंड द ग्रेट ऑज? नो इंडीड, आई डोंट नो एनी थिंग. यू सी आई एम स्टफ्ड विद स्ट्रॉ, so have no brains at all. No indeed, of course not. I don't know anything because you see I am stuffed with straw, so have no brains. I am made of sack and straw, so I don't know anything. I don't have a brain like you. Mera dimag hi nahi hai. Dimag hoga to kuch malumat hongi mujhe. So jab dimag hi nahi hai, mera dimag bhus se bana hua hai. So how will I be able to know anything? He answers sadly. Now he doesn't have a brain, so he is very sad about this. Oh, said Dorothy, I am sorry for you. I am very sad for you. ओके स्टूडेंट्स, एक बात इस बारे में याद रखें कि कुछ बच्चों को के जहन में है कि सॉरी का मतलब मुझे माफ़ कर दें. सॉरी एक्चुअली मींस दैट आई एम वेरी सैड अबाउट व्हाट एवर आई हैव हर्ड. आई एम वेरी अनहैप्पी अबाउट व्हाट एवर हैज़ हैपेंड और व्हाट एवर आई हैव हर्ड. तो अक्सर लोग सोचते हैं कि इसका मतलब मुझे माफ़ कर दें, और असल में ये है कि मुझे अफसोस है ये सुनकर. अब जब आप लोग अपनी गलती पर आई एम सॉरी कहते हैं, तो इट मीन्स दैट वट एवर आई हैव डन आई एम सॉरी फॉर इट. मतलब जो गलती मैंने की है उस पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ. आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट एंड आई एम नॉट गोइंग टू डू इट अगेन. इसका मतलब माफ़ी नहीं होता, इसका मतलब ये इजहार होता है कि हमें ये करके बहुत बुरा फील हो रहा है. सो ओ सेड डोरोथी. नाउ डोरोथी को जब पता चला कि स्केयरक्रो डजंट हैव अ ब्रेन एंड ही इज़ वेरी सैड, सो शी इज़ ऑल्सो वेरी सैड अबाउट इट. आई एम वेरी सॉरी फॉर यू. डू यू थिंक, ही आस्क्ड, इफ आई गो टू द एमरल्ड सिटी विद यू दैट ऑज वुड गिव मी सम ब्रेन्स? अब अगर वो ऑज इतना ज़्यादा ताकतवर है, इतना ज़्यादा समझदार है, उसके पास इतनी ताकतें हैं, तो क्या वो मुझे दिमाग दे सकता है? डू यू थिंक, वट डू यू थिंक, इफ आई गो टू एमरल्ड सिटी विद यू दैट ऑज वुड गिव मी सम ब्रेन्स? I don't know, she replied. She is answering the scarecrow that I don't know whether he would give you some brain or not.
But come to the Emerald City with me and Toto. You can ask the great Oz for a brain. Now, you can come with us. If you remember, Dorothy and Toto were going to Emerald City. So now, Dorothy is offering the Scarecrow to come with her. तो यहाँ पर उसने कहा कि चलो तुम चल के तो देखो, हो सकता है ग्रेट ऑज तुम्हें ब्रेन दे दे. वॉट इफ ही डजंट गिव मी वन, और अगर उसने ना दिया तो. नाउ दिस काइंड ऑफ डाउट्स अकर इन आवर हार्ट्स वेन एवर वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट एनीथिंग. जब हमें किसी चीज़ का बिल्कुल पता ना हो कि ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ज़रूर जहन में ये सवाल उठता है कि अगर ना दिया तो क्या होगा. You should try anyway. करके तो देखो, said Dorothy. You have nothing to lose. तुम्हारा क्या जा रहा है? मतलब अगर उसने ब्रेन ना दिया तो already तुम life तो गुजार ही रहे हो. You are already living your life. So if he doesn't give you any brain, you have nothing to lose. तुम्हारा क्या जा रहा है? That's true, said Scarecrow. हाँ, ये बात तो है. You see, I don't mind my legs and arms and body being stuffed because I cannot get hurt. That's true. Now you are right. Tum to sach keh rahi ho. I don't mind my legs and arms and body being stuffed because I cannot get hurt. Dekho, you see, dekho. मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मेरी टांगे, मेरे जो बाजू हैं या मेरी पूरी बॉडी भूस से भरी हुई है. आई डोंट माइंड दैट बिकॉज आई कैन नॉट गेट हर्ट. कोई मुझे मारेगा, कोई मुझे पीटेगा, कोई मेरे पाँव पे पाँव रखेगा, कोई मेरे अंदर सुइयां चबोएगा, मुझे कभी दर्द नहीं होगा क्योंकि मेरी बॉडी स्टफ्ड हुई हुई है. इट इज़ फिल्ड विद स्ट्रॉ. सो इफ़ एनीवन ट्रीट्स ऑन माई टोज or stick a pin into me, it doesn't matter because I can't feel it. अब अगर कोई मेरे पाँव पे पाँव रखता है या मेरे पाँव को कुचलता है या फिर मेरे अंदर सुइयाँ चबोता है तो I don't feel it because मुझे दर्द नहीं होता. Now we are human beings and we are made of flesh, we feel the pain. हमारा जो body है वो flesh से बना हुआ है, तो हमारे अंदर पेन के सेंस है, पेन की सेंस है, लेकिन ये सेंस इस स्केयरक्रो के अंदर नहीं है. सो इफ़ समवन ट्राई टू हर्ट हिम, ही विल नॉट फील हर्ट. इट डजंट मैटर बिकॉज आई कांट फील इट. मुझे पता ही नहीं चलता अगर कोई ऐसा मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है. ओके, हु विल टेल मी दैट वट आर द थिंग्स विच इज़ नॉट हर्टिंग स्केयरक्रो. कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे स्केयरक्रो को कोई तकलीफ नहीं होती? वेरी गुड. इफ समवन ट्रीट्स हिम, ही डजंट फील द पेन. इफ समवन स्टिक अ पिन इन टू हिज बॉडी, ही डजंट फील द पेन. एंड इफ समवन बीट हिम और वट एवर, ही इज नॉट फीलिंग द पेन. बट ओनली थिंग ही कैन फील इज मैंशनड इन द नेक्स्ट पैराग्राफ. Dorothy listened carefully and nodded. Now, Dorothy is listening to him carefully, attentively and nodding. When you are listening to someone, you are nodding your head. कभी कभार अपना सर हिलाते हैं हाँ या ना में. तो जब आप कोई बात किसी की सुन रहे होते हो, so that is nodding. जब आप सर हिला रहे होते हो, that is called nodding. So she was amazed to see the scarecrow walking and talking. अच्छा, इतनी देर से scarecrow walk और talk कर रहा है, अभी तक Dorothy को यकीन नहीं हो रहा. She is unable to believe it that scarecrow is able to walk and talk. Now let's connect this paragraph to this paragraph, okay? Scarecrow is talking, Dorothy is listening, and now scarecrow is talking. So here Scarecrow said, I can't feel it. But I don't want people to call me a fool. मतलब मैं तकलीफ, ज़ाहरी तकलीफ बर्दाश्त कर लूँगा. कोई डंडे मारे, कोई सुइयाँ चबोए, कोई कुछ भी करे, मैं वो बर्दाश्त कर सकता हूँ. बट वन थिंग आई कैन नॉट टॉलरेट इज दैट इफ समवन कॉल मी अ फूल, कोई मुझे बेवकूफ़ कहे. आई कॉन्ट टॉलरेट दैट. ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता. इफ़ माई हेड स्टेज स्टफ विद
straw instead of my with brain as yours is, how am I ever to know anything? अगर मेरे सर में दिमाग की जगह भूसा भरा रहे तो मुझे कभी कोई ज़िंदगी में कोई चीज़ पता कैसे चलेगी? किसी इंसान को अगर कोई चीज़ मालूम होती है वो उसके दिमाग की वजह से, क्योंकि वहाँ पर वो स्टोरेज चल रहा होता है। जैसे हमारे डिवाइसेस में कुछ मेमोरी कार्ड होते हैं या कुछ भी मेमोरी से रिलेटेड चीज़ें होती है जिसकी वजह से वहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रही होती है, इसी तरह हमारी बॉडी में रिकॉर्ड और इन्फॉर्मेशन रखने का जितना सिस्टम है वो सारा हमारे ब्रेन में है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्केयरक्रो ने बताया कि उसको किस चीज़ से तकलीफ़ नहीं हो रही और उसे किस चीज़ से तकलीफ़ होती है। उसको इस बात से तकलीफ़ हो रही है कि कोई इसे बेवकूफ़ कहे, कोई इसे निकम्मा कहे। तो ये बातें जो है वो स्केयरक्रो को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाती हैं। आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील, आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील, सेड द लिटिल गर्ल। मैं समझ सकती हूँ तुम्हें कैसा महसूस होता है। लाइक व्हेन यू आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ सिचुएशन, यू कैन अंडरस्टैंड अदर पर्सन सिचुएशंस टू। अब हमें पता है जब किसी को बार बार बेवकूफ़ कहा जाए या किसी की कमज़ोरी की वजह से उसको वैसा नाम बार बार बुलाया जाए तो वो बहुत ज़्यादा हर्टिंग होता है, इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो यहाँ डोरोथी कहती है कि मुझे समझ आ रही है कि अगर कोई तुम्हें बार बार बेवकूफ़ कहता है तो तुम्हें कितनी तकलीफ़ होती होगी। सो आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील, सेड द लिटिल गर्ल। दिस लिटिल गर्ल इज़ डोरोथी, हु वॉज ट्रूली सॉरी फॉर हिम। नाउ शी वॉज वेरी, ट्रूली मीन्स एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, सैड फॉर हिम। इफ़ यू विल कम विद मी, आई आस्क ऑज टू डू ऑल ही कैन फॉर यू। सिर्फ मेरे साथ आ जाओ, मैं ऑज से बात करूँगी कि वो तुम्हारे लिए वो करे, जो जो कुछ वो कर सकता है वो तुम्हारे लिए करे। थैंक यू, ही आस्क्ड ग्रेटफुली। नाउ हियर द स्केयरक्रो इज़ वेरी ग्रेटफुल टू डोरोथी फॉर ऑफरिंग हर द हेल्प दैट शी वुड आस्क ऑज टू डू ऑल ही कैन फॉर स्केयरक्रो। Okay students, let's have a look at the new words that came across in the story today, and they are as follows: good day, good day. Good day means hello. Now good morning, good evening and good night, these are just specific to the timing or at which you are saying them, but good day can be said at any time and mostly at daytime, but it is not specific for day. It's kind of wishing that good day, hello. Hello can be said at any time, just as good day can be said at any time. And good day can be used just in every kind of situation, whether you are meeting someone or you are saying goodbye. Like it can be the greeting and it can be the final words. So good day is just a general word. Good day, hello. But hello cannot be used in every kind of situation. Hello and bye. Wonder, wonder means surprised. Wonder means surprised, हैरान होना, बहुत ज़्यादा हैरान होना। कोई चीज़ जब पहली मरतबा आप देखते हो या सुनते हो, like for example, Dorothy looked at the scarecrow and the scarecrow started moving and he winked. So all this was surprising for Dorothy. Certainly, certainly means of course, indeed, obviously. Certainly means of course. Obviously, obviously, replied, answered, politely, nicely, scare, frighten. So students, your homework is to write all these words meanings in your neat copy. All these words meanings in your neat copy. But look at these few words that I have written, all of these words with small letter except this one. Only this good day is written with capital. But the remaining all words are written with small letters, okay? So be very particular about them. Write your homework in very neat handwriting.
एंड आई होप टू रिसीव योर होमवर्क एज सून एज यू गेट द वीडियोज. दिस वॉज ऑल फॉर टूडे. थैंक्स फॉर योर टाइम. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.